Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Fine. Great. So, today's class, we are going to learn about Computer, a Magic Machine. Computer, a Magic Machine. Do you know what is this picture? Do you know? Wow, great. This is a computer. You are right. It is a smart machine and it can do many things for you. Right. So next, natural things. Our first topic is natural things. We see so many things around us, right? Such as trees, flowers, animals, birds, clouds, and mountains. आप अपने आसपास बहुत सारी things देखते हो, right? बहुत सारी चीजें देखते हो, ठीक है ना? Such as like trees, flowers, animals, जो कि पहले से हैं, right? Nature has created all these things. इनको nature ने बनाया है, ये पहले से हैं, इनको God ने बनाया ना? ये पहले से हैं, right? That's why these things are called natural things. इसलिए हम इन्हें natural things बोलते हैं. इनको natural things बोला जाता है इसीलिए क्योंकि ये God के through बनाया गया है. इसे humans के through नहीं बनाया गया है, right ना? Next topic is man-made things. What is man-made things? Do you know? Okay, we also see many things around us, such as television, mobile phones, fan, chair, computer, television, etc. These all things are man-made things. And it is also called a machine. Inko hum machine bhi bolte hain. Clear? Man has created all these things. Humans के थ्रू ये machines बनाई गई हैं, humans ने इनको क्रिएट किया है, that's why these things are called man-made things. Clear? Okay. Next is what are machines? You know what are machines? Machines are things made by man. मैम ने अभी बताया आपको जो machine जो things ह्यूमंस के थ्रू क्रिएट की गई हैं उनको हम मशीन्स बोलते हैं तो मशीन्स आर थिंग्स मेड बाय मैन दे मेक अवर वर्क इजी ये हमारा वर्क काम आसान बनाती है दे आल्सो सेव अवर टाइम ये हमारा समय भी बचाती है सम मशीन्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क एंड सम डू नॉट कुछ मशीन्स को वर्क करने के लिए काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और कुछ मशीन्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही वर्क करते हैं लाइक सम मशीन्स जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है मैम बताते हैं देखो आपका टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन राइट इनको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है जबकि चेयर पेन पेंसिल इनको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है बट ये भी तो मशीन्स ही होते हैं ना क्लियर वी यूज मैनी मशीन्स इन अवर डेली लाइफ राइट वी यूज मैनी मशीन्स इन अवर डेली लाइफ राइट ना तो सम एग्जांपल ऑफ मशीन्स आर गिवन बिलो मैम आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो जिन मशीन्स को क्लियर फर्स्ट Washing machine. A washing machine helps us to wash clothes, right? Washing machine हमें help करता है कपड़े को धोने के लिए कपड़ों को धोने के लिए right ना मामा इसे use करते हैं ना अपनी daily life में आप लोगों को clean clothes मिलने के लिए washing machine की need होती है right ना मामा या तो हाथ से धोएंगे या फिर washing machine से धोएंगे but mostly use होता है washing machine. एंड इसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है राइट ओके नेक्स्ट वन इज मोबाइल फोन
यूज अ टेलीफोन और ए मोबाइल फोन टू टॉक टू पीपल हु आर फार अवे. जो लोग जो फ्रेंड्स हमसे थोड़ा दूर रहते हैं, हमसे डेली डेली नहीं मिल पाते, तो थ्रू फोन हम उनसे डेली बेसिस पर कनेक्ट हो सकते हैं. हम उनसे वीडियो कॉल के थ्रू, मोबाइल पर बात करके, इससे हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बात कर सकते हैं. तो मोबाइल फोन हमें किस तरीके से हेल्प करता है? जो लोग हमसे दूर हैं उनसे बात करने में. क्लियर? और इसको भी वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, बट ऑल्सो ये बैटरी पर भी वर्क करता है. अगर आपका फोन फुली चार्ज है तो उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है, बट फर्स्टली वो फुली चार्ज होना चाहिए. क्लियर? थर्ड वन इज रेफ्रिजरेटर. ए रेफ्रिजरेटर्स कीप अवर वर्क फूड फ्रेश. इट ऑल्सो की वाटर कूल. ये हमारे खाने को अच्छा रखता है और पानी भी ठंडा प्रोवाइड कराता है. गर्मियों में जब आप कहीं बाहर से आते हो तो आपको ठंडा ठंडा पानी पीना होता है, राइट? तो आप क्या करते हो, सबसे पहले फ्रिज का डोर ओपन करके ठंडा वाटर निकालते हो. तो अगर हमारी लाइफ में रेफ्रिजरेटर नहीं होगा तो आपके ठंडा पानी और खाने को सही रख सकते हो? नहीं ना. तो रेफ्रिजरेटर भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज कार. ये व्हीकल्स, मतलब देखो, कार, बसेस, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स क्या करते हैं? दे आर यूज टू फॉर ट्रैवलिंग. हम इनको यूज करते हैं ट्रैवलिंग के लिए. आपको कहीं जाना है या कहीं से आना है तो आप किसका यूज करके जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो? कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, इन सब का यूज करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं. ठीक है? नेक्स्ट वन इज एयर कंडीशनर, मतलब एसी. एंड एयर कंडीशनर मेक्स अ रूम कूल. आप क्या करते हो, एसी हमारा किस तरीके से हेल्प करता है? हमारे को एक ठंडा रूम प्रोवाइड कराता है. ठीक है? गर्मियों में जब आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आप जल्दी से एसी का बटन ऑन करते हो और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हो, राइट? तो एसी हमारे को ठंडी हवा प्रोवाइड कराता है और ये इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है. क्लियर? ओके. लाइक अदर मशीन्स, कंप्यूटर ऑल्सो डज मैनी थिंग्स एंड मेक अवर वर्क इजी. मैम ने अभी बताया, कंप्यूटर भी और थिंग्स की तरह हमारे लिए काम करता है और हमारा टाइम बचाता है, राइट? लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट अ कंप्यूटर कैन डू फॉर अस. हम एक नजर डालते हैं अब कंप्यूटर हमारे लिए क्या क्या करता है. देखो, एक कंप्यूटर कंप्यूटर वंडरफुल मशीन, ये हम सबको पता है कंप्यूटर वंडरफुल मशीन है. द कंप्यूटर्स इज ए मशीन. इट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. विद द कंप्यूटर वी कैन डू मैनी थिंग्स, राइट? देखो, कंप्यूटर ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है. इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन. इसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और ये हमारे लिए बहुत सारे काम करता है. लाइक वी कैन डू ड्रॉ पिक्चर्स, वी कैन वॉच मूवीज, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन लिसन म्यूजिक, वी कैन डू सॉन्ग्स, वी कैन लिसन सॉन्ग्स, वी कैन वॉच स्टोरी इन दैम. ओके? क्लियर एवरीवन? एंड नाउ हमारा चैप्टर कंप्लीट. थैंक यू. नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय.